हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर वीडियो पे। तो आज दोस्तों, आज हम लोग ऐसी कुछ मैंने इतनी टैलेंटेड वीडियो में बात करेंगे कि भाई आज तक मैं सुना मेरा गण फट गया। भाई ये है एक भोजपुरी सिंगर जो अपनी पहली गाने से सक्सेसफुल ना होने के बाद दूसरे मैंने सेकंड वर्जन लाए हैं इस गाने का। क्यों? पहला बार में उनको पब्लिक का गान फाड़ना था, नहीं फटा। दूसरे का बार में वो लोग फाड़ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही कुछ रिमिक गानों को हम लोग आज देखेंगे। कॉपीराइट नहीं आना चाहिए भाई, रिमिक गाना है भाई, तो आप लोग देखो, ऑफकोर्स मजा आने वाली है इस वीडियो पे। तो जो भी देख रहे हैं छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखना, पूरा वॉच करना। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। तो दोस्तों, इस लिस्ट का पहला गाना है नाच रे पतर की नगीन जैसन। इसको गाने वाला है अरविंद अकेला कल्लू। भाई हमारे कल्लू भैया इस गाने को पहली बार जब बनाए जिस ट्यून में, भाई वो भी अच्छा ही था। सेकंड वर्सन नाच रे पतर की नगीन जैसन 2.0। यार जब से रोबोट 2.0 निकला है तब से भाई इनका 2.0 2.0 2.0 जो लगाना है लगा लो। ये 2.0 का वर्जन कब खत्म होगा भाई? तो आइए दोस्तों, थोड़ा बहुत हम लोग इस गाने को सुनते हैं कि इसमें कभी कहना क्या चाहता है। पता है गांव फाड़ना चाहता है। हमारे भोजपुरी में मैंने इतना खतरनाक खतरनाक टैलेंट भरती है ना भाई। इस गाने का कभी जानते हैं क्या कहना चाहता है? चश्मा लगाए हैं दूरबीन जैसा। भाई गा फटी तो फटी, नुबावे ना घटी। हम चश्मा ऐसा पहनेंगे कि मैंने 50 किलोमीटर हम लोग जूम कर पाए पूरा। कि पतर की कैसी नाच रही है, पतर की जैसी है वो, उस पतर की गाना पे नाच रही है। अबे नागिन, अबे वो नागिन नहीं बन सकती है हमारे कल्लू भैया। नागिन अभी नहीं बनना है, जब बनना रहेगा तब बन जाएगी हमारे फिल्मों में। ये तो टट्टी है। इस लिस्ट का सेकंड गाना है दिल्ली वाली दिल ले गई 2.0। पहली बार में हमारे नील कमल भैया, इन सिंगर का नाम है नील कमल, ठीक है। तो ये पहली बार ये जो गाना बना है सुपर डुपर हिट था। सेकंड वाला भी सुपर डुपर हिट है। पर भैया इसमें जो आप जो लिखे हुए हो जो गाने को, पूरा डिट्टो क्यों है भाई इस 2.0 में? कुछ नया होना चाहिए हटके। खाली कुछ नहीं भैया, इसमें कुछ नहीं, डीजे का कुछ रिमिक चिक 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 करके लगा दिए हैं, बस खत्म। तो आइए दोस्तों, इस गाने को भी हम लोग थोड़ा बहुत सुनते हैं कि इसमें कभी कहना क्या चाहता है। अरे हमारों से बेसी होता, हमारों से बेसी होता पागल बिया, दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया, मार ले ले काला काला काजल बिया, दिल्ली वाली दिल लेके भागल बिया। तो इस गाना में वो कभी ये कहना चाहती है कि एक दिल्ली से एक लड़की आई जो नीलकमल भैया का मुंह में मूंद के दिल लेके चली गई। तो मैं यही बात बोलूंगा भैया, आप ऐसा लड़की को ऊपर से दिल्ली वाली समझ रहे हो भाई? अच्छा वो आपकी दिल लेके गई है, कुछ और लेके नहीं। सब चीज में एक चीज कॉमन है भाई, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज कॉमन है। एक कोई 2.0 निकाला उसको देख के दूसरा, ऐसे ही गाने का भाव बदलते रहते हैं। लेखक अपना कुछ अलग ही खोज खाज कर लाते हैं।
भैया आई सबसे ज्यादा गंदी हमको इस चीज का लगता है भाई, ढोड़ी चोली जंघिया, ना जाने इस किस पर इतना जो वीडियो बनाया है। चोली चोली जंघिया छोड़ो, ढोड़ी का नीचे तो इनका कोई गाना बनता ही नहीं है भाई, पूरा कभी नहीं बनता है भाई। भाई जो भी आप लोग भोजपुरी गाना सुनते हो नाचते हो उस पर, तो भाई नीचे गाली मत देना क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, मुझे भी भोजपुरी गाना ज्यादा पसंद है। बस भाई ये वीडियो के लिए हम लोग थोड़ा भाई कोई गाली वाली मत बक देना, मैं भी बिहारी हूँ, मुझे भी भोजपुरी गाना पसंद है, पर भाई उल्टा उल्टा गाना मत गाओ तुम लोग, अच्छा गाना बनाओ जिससे हम लोग को सुनने में अच्छा लगे। भाई पुराना गाना कितना सॉलिड सॉलिड था भाई, जो पुराना जो कभी मतलब थोड़ा सा था भाई जो भी है, पर गाना सॉलिड सॉलिड था भाई पहले का। और अभी नया जनरेशन में नया चीज भाई, जब इस पर बात हो ही रही है तो हमारे हनी जी का भी थोड़ा देख ले पॉडकास्ट एट बादशाह का, भाई उनमें क्या चेंजिंग किया था। सिंगर है भाई, सब अपने अपने थॉट में गाना बना रहे हैं। उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं, बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुंडी जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की जरूरत ही क्या है। वो जिस तक क्लाइंट फॉर मी, पूरी एल्बम करेंगे 10 लाख रुपए लगेंगे। पूरी एल्बम आपकी करेंगे? हाँ मेरी एल्बम करेंगे, हनी का म्यूजिक होगा। वो एल्बम आई कभी? नहीं। जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं उन्हें माफिया मुंडी जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है, ये वो कह रहे हैं। नहीं मुझे तो लगता है कि मैं था, इफ ही सेज अदरवाइज, जो जिस गम में पी रहा है उसे पीने दो, जो जिस भ्रम में जी रहा है उसे जीने दो। हमारे बादशाह जी ने इसमें बोला था, इनका एक गाना था कि हिट तुमसे कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा, मैंने यहाँ गेम चेंज किया तुम्हारा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो भैया बादशाह जी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हनी सिंह आपका भी बाप है। पहले वही गाना आए थे जो रैप का दुनिया में आप लोग रैप छोटा बच्चे थे आप लोग, जब हनी सिंह आप लोगों को रैप सिखाए। भाई हनी सिंह का मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता भाई, पुराने गाना उठा के देख लो, ब्राउन रंग दी, ब्लू आईज, भाई सॉलिड सॉलिड गाना बना के गए हैं भाई। पर जो भी हनी सर का जो भी फैन है भाई, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हम लोग को पुराना गाना चाहिए, ये नया वाला नहीं। नया वाला आपका एक भी गाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत पुराने जो आए नए बीच में अच्छा था, पर भाई मुझे वो वाला वेब नहीं आ रहा जो एक हनी सिंह के लिए हम लोग पागल हुए थे। वैसा कोई अभी तक कोई गाना नहीं दिख रहा है। दो बोतल वोट का हनी सिंह पीते नहीं है, शराब छोड़ दी है, पर भाई कभी कल जीने के लिए पीना पड़ता है भाई, समझा करो। हमारे लिस्ट के तीसरे गाना है चुबुर चुबुर करे और चनवा 2.0। भाई ये गाना का जो भाई नाम जो है ना भाई, इतना खतरनाक खतरनाक नाम, पता नहीं कहां से टैलेंटेड आदमी है भाई सोच लेते हैं। भाई इनका जो भी गाना उठा के देख लो, ऐसे कुछ गाना पे वीडियो बनाए होंगे, सॉन्ग बने होंगे। तो इस हमारे मतलब अभी कहना ये चाहता है कि उनके पास पलंग चौकी किनने का पैसा नहीं है, तो वो खटिया में एक दिन मजा मारना चाहते हैं, उसके बाद सोचेंगे। समझ रहे हो भाई चुबुर चुबुर कहां से आवाज आता है भाई, देखो यार कोई गलत मत सोच लेना, मैंने खटिया में भाई चुबुर चुबुर गढ़ता है ना भाई वो पिन जैसा, तो उसी में चुबुर चुबुर का गाना है, तो आप लोग चुबुर चुबुर ज्यादा ना करें, जलवा है हमारा सुनने का मन हो तो भाई आप लोग बस यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। और आप लोगों को यदि इसका पार्ट टू चाहिए भाई, पार्ट टू तो कम से कम 200 लाइक होना चाहिए भाई, 200 लाइक कर दो, मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा। नीचे कमेंट करना है भाई पार्ट टू, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं भाई आप लोग इसी बताओ कि मजा आया कि नहीं। आप लोगों को जब मजा नहीं आया तो डिसलाइक करके चल जाना भाई, क्लियर एक बात, पर मजा आया होगा ना तो बिना लाइक का मत जाना भाई, लाइक और वो जो शेयर है कर देना भाई।